नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आज रीवा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दौरे पर थे। उनका ऐतिहासिक स्वागत किया कहा जा सकता है। जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ उसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। सुबह वीडी शर्मा रीवा पहुंच गए थे, लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम सवालों के, पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। उनका साफ तौर से कहना था, एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह, या यूं कहें कांग्रेस को ईवीएम तभी याद आती है जब चुनाव होता है, और उस जगह ईवीएम नहीं याद आती जहां पर कांग्रेस जीतती है। जहां कांग्रेस हारती है उनको वहां ईवीएम याद आता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंगाई तो कम होगी। कृषि बिल पर भी उन्होंने बोला, वो भी पत्रकारों के कहने के बाद पेट्रोलियम पदार्थ और कृषि बिल पर भी वो जमकर बोले। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई कैसे कम होगी। केवल उनका ये कहना था कि पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई कम होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात चुनाव की उन्होंने वाहवाही बटोरी। उनका साफ तौर से कहना था, गुजरात में हमने कांग्रेस का सफाया कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको गुजरात तो याद है, पंजाब क्यों याद नहीं है, तो उनका कहना था अमृतसर की सीट उन्होंने जीती है। जबकि मैं आपको बताऊं, वीडी शर्मा जी शायद ये भूल गए, पंजाब की सीट भाजपा ने नहीं जीती थी। लेकिन बड़े नेता हैं, कुछ कहा होगा तो सोच समझ के ही कहा होगा। आइए आपको सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलता हूं और दिखाता हूं वीडी शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। पंजाब चुनाव की आपने निगर निकाय की बात नहीं की, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। पंजाब चुनाव में भी चंडीगढ़ में जीते थे आंदोलन के दौरान, जब ये कृषि आंदोलन किन लोगों का आंदोलन है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग देश के अंदर देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उसमें कुछ किसान है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, किसान है, लेकिन उस आंदोलन को जिस प्रकार से लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया, उस पर जिस प्रकार से लोगों ने भूमिका निभाने का प्रयास किया, योगेंद्र यादव का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है शाहीन बाग से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है कि जेएनयू के अंदर जब भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है तो थैला डाल करके पहुंच जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं? यही वो लोग हैं जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है इस बात का। मैं कहना चाहता हूं, अरे पेट्रोल की कीमतें भी ठीक होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान बिल के बारे में अगर बात करेंगे तो किसान बिल के बारे में तो हम इस पर बहस के लिए हमारी सरकार ने 21 बार 20 बार किसानों के साथ बैठ करके कहा, आप संशोधन तो बताइए क्या करना है, संशोधन नहीं बताएंगे। क्यों? किसान उस चीज को नहीं करना चाहते। कनाडा से क्या संबंध है आंदोलन का? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते क्या संबंध है इसका? तिरंगे का अपमान करने के लिए लाल किले पर जाते क्या संबंध है इसका? अराजकता फैलाने के लिए रिहाना ट्वीट करती है, पॉप सिंगर किसान आंदोलन पर ट्वीट करती है, क्या संबंध है भैया इसका? कितने करोड़ रुपए लेकर के ट्वीट किया जरा पता लगाइए। वो एक बेटी दिशा रवि जिस प्रकार के चीजों को चलाने का प्रयास करती है, ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? तो किसानों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहता हूं, कृषि बिल के बारे में जो मूल बातें हैं, एमएसपी की बात करते हैं, हमेशा कह दिया एमएसपी है, अभी लोकसभा के अंदर कहा है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और किसानों के लिए अगर ये बात आपने अगर थोड़ा छेड़ दिया है तो मैं कहना चाहता हूं, रीवा के अंदर कोई एक छोटा सा उद्योग चलाता है, अपने उद्योग के प्रोडक्ट की कीमत आप तय करते हैं क्या? मैं तय करता हूं क्या? वो तय करता है कि मेरे प्रोडक्ट की कीमत कितने में मैं बेचूंगा। एक छोटा सा आर्टिजन एक मूर्ति बनाता है तो हम मूर्ति लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि भाई साहब इसकी कीमत 15 रुपए है, हम कहेंगे 12 ले लो, इनका नहीं 12 नहीं लूंगा,
अरे थोड़ा कम कर लो, नहीं 14 से नीचे नहीं जाऊंगा तो हम 14 रुपए देके खरीद लेते हैं।